गाजियाबाद सेट का डब्ल्यू ए पी सेवन बड़ोदरा सेट का लगाया हुआ है। मिलता है, आप आराम से ले सकते हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन से निकलने के बाद खाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है तिलहर, है ना चाचा? दोस्तों मुजफ्फरपुर जंक्शन से निकलते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चॉकलेट मिल जाएगा। कैसे अंकल? 5 रुपए एक। और देखिए कैसे लोग ढोल बजाते हुए मांगते फिरते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों हम हैं फिलहाल साई लीचियों के शहर बिहार का मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहाँ से आज के हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 15215 1/52 इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि हेमू रेक के साथ चलती है फ्रॉम बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन से वेस्ट चंपारण के नकड़िया जंक्शन बिहार के बीच। चलिए शुरू करते हैं सफरों को। सफर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिए। चलिए कुछ नज़ारों के साथ एंट्री लेता है, और हम जर्नी करेंगे मुजफ्फरपुर जंक्शन से सुगौली जंक्शन के बीच इस ट्रेन में। चलिए कुछ नज़ारों के साथ एंट्री लेते हैं। दोस्तों सुबह की पहली किरण के साथ हमारी जर्नी स्टार्ट होती हुई बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन से। चलिए चलते हैं फटाफट, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे अपनी ट्रेन लगी हुई है। डिस्प्ले पे शो करता हुआ ट्रेन ब्लैक और मॉर्निंग सनराइज। मुजफ्फरपुर जंक्शन का वेटिंग हॉल देख सकते हैं चारों तरफ पब्लिक, और ये रहा टिकट काउंटर एंड इंक्वायरी काउंटर शो करता हुआ ट्रेन, और 480 BM टिकट काउंटर ठीक कर चुके हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, और यहाँ दिया हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर जाने के लिए 6, 7, 8 जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। सामने 2, 3, 4, 5 और यार्ड में लगा हुआ है सप्तक्रांति सुपरफास्ट चंपारण की राजधानी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आप 6, 7, 8 प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। चलिए 6 पे लगी हुई अपनी ट्रेन मुजफ्फरपुर जंक्शन 5, 4, 3, 2 और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। छः नंबर में लगी है सामने 7 और 8 प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों फाइनली प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे अपनी ट्रेन लगी हुई है 1/52-15। ये ट्रेन अपने नाम से नहीं बल्कि नंबर से जानी जाती है इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि हेमू रेक के साथ खड़ी है मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म 6। और यहाँ से खुलने का टाइम है सुबह के 7:20 और ठीक 9:18। हम जर्नी करेंगे 100 किलोमीटर लगभग 5 ऑटो के साथ फ्रॉम मुजफ्फरपुर जंक्शन से सुगौली जंक्शन इस चंपारण के बीच, और ये ट्रेन 7:20 फ्रॉम मुजफ्फरपुर जंक्शन से निकलते ठीक आपको 4 घंटे मतलब 160 किलोमीटर जर्नी कंप्लीट करने के बाद 3 घंटा 5 मिनट 4 घंटे बाद आपको छोड़ देगी 11:15 पर नकड़िया जंक्शन। चलिए यहाँ से डिपार्चर देखते हैं ऑन टाइम 7:20 और जर्नी को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बिहार के साई लीचियों के शहर मुजफ्फरपुर जंक्शन से इस चंपारण सुगौली जंक्शन के बीच। चलिए शुरू। तो दोस्तों बिल्कुल ऑन टाइम 7:20 पर हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से बिल्कुल ऑन टाइम 7:20 पर। मुजफ्फरपुर जंक्शन दोस्तों आगे आपको लाइन कटी है मुजफ्फरपुर जंक्शन से, दिखाते हैं कहां कहां की लाइन गई है। तो लाइन देख रहे हो आपको हाजीपुर सोनपुर के रास्ते आपको निकल गया है गोरखपुर की ओर। दोस्तों ये जो सामने रूट देख रहे हैं ये आपको सीतामढ़ी के रास्ते वाया रक्सौल और दरभंगा को निकल गई है, और हम जा रहे हैं नलकटिया। दोस्तों मुजफ्फरपुर जंक्शन से निकलते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चॉकलेट मिल जाएगा। कैसे अंकल? 5 रुपए एक मिलेगा, काफ़ी मस्त है, ले सकते हैं। क्या चीज़ है चाचा? किलर है। कैसे दे रहे हैं? 10 का 1। दोस्तों आपको ट्रेन में भी ये सब मिलता है, आप आराम से ले सकते हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन से निकलने के बाद। खाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है तिलहर, है ना चाचा?
तो ऑलरेडी 26 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके हैं अपने जर्नी का फर्स्ट पे मोतीपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड MTR। टोटल दो प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 23 ट्रेन पर यहाँ का होल्ड करते हैं। यहाँ से नाइक ट्रेन और जे ट्रेन है, इस सेंट्रल वाइक समस्तीपुर डिवीजन में था। अपनी ट्रेन का 2 मिनट का होल्ड है, मोतीपुर फर्स्ट स्टेशन पर था। चलिए यहाँ से देखते हैं डिपार्चर ऑन टाइम। दोस्तों 2 मिनट होल्ड के बाद अपनी ट्रेन का सिग्नल हो चुका मोतीपुर से, देख लीजिए डिपार्चर। इधर डबलिंग लाइन का जो है कंस्ट्रक्शन लगा गया है, लगा हुआ है। ट्रेन हमारी रैप कर रही है सेकंड स्टेशन पर चकिया। तो ऑलरेडी 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपने जर्नी का सेकंड स्टेशन पे मेहसी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MAI। टोटल 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 22 ट्रेन पड़े अकाउंट। यहाँ से नाइक ट्रेन और जीएन टोपी बिहार के सेंट्रल के समस्तीपुर डिवीजन में आता है। अपनी ट्रेन का 2 मिनट काउंट। चलिए यहाँ से देखते हैं डिपार्चर मोतीपुर रेलवे स्टेशन से। दोस्तों पूरे 2 मिनट होल्ड के बाद अपनी ट्रेन का सिग्नल हो चुका मेहसी से, देखिए डिपार्चर। तो ऑनलाइन जाए 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपने जर्नी का थर्ड स्टेशन पे बिहार के चकिया रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है CAA। टोटल 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 36 ट्रेन पड़े यहाँ का होल्ड करते हैं। यहाँ से नहीं कोई ट्रेन अर्जेंट मिनट से, 2 मिनट का होल्ड है बाकी। चलिए चकिया इस सेंट्रल के समस्तीपुर डिवीजन में आता है। चलिए यहाँ से देखते हैं डिपार्चर अपनी ट्रेन का। दोस्तों 2 मिनट होल्ड के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका थर्ड स्टेशन पे चकिया से। तो चलिए दोस्तों अपनी 52-15 इंटरसिटी एक्सप्रेस का कोच का इंटीरियर देखने चलते हैं। तो वाशरूम में जाने से पहले देखते हैं, छोटा सा मिरर है जो कि हालांकि पानी का छीटा पड़ा। बेसिन का हाल देख लीजिए, नीचे डस्टबिन नहीं है और यहाँ जो है पानी भी आ रहा है। चलिए वाशरूम का कंडीशन देखते हैं। वाशरूम में मिरर गायब है, बेसिन देख लीजिए बोतल फेंका हुआ है, पानी जो आ रहा है, सोप होल्डर दिया हुआ है, हैंगर यहाँ दिया हुआ है कपड़े टांगने के लिए, यहाँ एक ट्यूबलाइट ले लीजिए। चलिए कोच का हाल देखते हैं, आप साइकिल भी लेके आते हैं तो यहाँ खड़िया सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है पासिंग जो कि रखने के लिए और वो गेट वगैरह। बाकी यही है कोच का इंटीरियर अपनी 15215 इंटरसिटी MO स्पेशल। और इस साइड भी जो है काफ़ी लोग जो है सीट नहीं मिलने के कारण जो है भैया लोग बैट बॉल लेके। बाकी यही है इंटरसिटी एक्सप्रेस का इंटीरियर देख लीजिए, कोच का हाल ऐसा है MO इंटरसिटी एक्सप्रेस का। सेम कंडीशन ट्रेन हमारी अराइव कर रही है पीपरा रेलवे स्टेशन। तो ऑलराइट गेज 58 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपने जर्नी का फोर्थ स्टेशन पे पीपरा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है PPA। टोटल 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 22 ट्रेन पड़े यहाँ काउंट करते हैं। यहाँ से नाइक ट्रेन और जे मीटर बिहार के ईस्ट सेंट्रल के समस्तीपुर डिवीजन में आता है। अपनी ट्रेन का 2 मिनट काउंट है। चलिए यहाँ से देखते हैं पीपरा रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन का डिपार्चर। दोस्तों 2 मिनट होल्ड के बाद अपनी ट्रेन का सिग्नल हो चुका पीपरा से, देखिए डिपार्चर। दोस्तों ऐसे बहुत चीज़ आपको देखने के यूनिक चीज़ मिलता है ट्रेन में, बहुत सारे सिंगर वगैरह मांगने वाले भी बहुत सारे के आपको देखने को मिलते हैं। और लोकल ट्रेन में जर्नी कीजिएगा तो आपको मांगने वाले की कमी नहीं होती है। और देखिए कैसे लोग ढोल बजाते हुए मांगते फिरते हैं। कोई रो रहा
क्या हो रहा है। ट्रेन हमारी अराइव कर रही है बापू धाम मोतिहारी। इतनी ज्यादा है दो पर तो ऑल राइट, ये 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके हैं अपने जर्नी का फिफ्थ सुबह बिहार के पूर्वी चंपारण के बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BMK। टोटल दो प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 44 ट्रेन पड़े हैं और यहाँ से एक ट्रेन अर्जेंट में बिहार के ईस्ट सेंट्रल के समस्तीपुर डिवीजन में आता है। बाकी अपनी ट्रेन का 3 मिनट का होता है। यहीं से चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन शुरू हुआ था बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पूर्वी चंपारण से। चलिए हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म दो पे आई है। चलिए यहाँ से आप देखते हैं डिपार्चर और 20 किलो नॉन स्टॉप का मिलते हैं फाइनल डेस्टिनेशन और नेक्स्ट स्टॉप पे अपने जर्नी का फाइनल सुगौली जंक्शन रेलवे। दोस्तों सामने देख रहे हैं 1258 आनंद विहार मुजफ्फरपुर बिहार की चंपारण की राजधानी सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन से मुलाकात होती है, उसका अराइवल देखिए बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन 1 घंटे की देरी से। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गाजियाबाद सेट का WAP7 बटोदरा सेट का लगाया हुआ है और उस ट्रेन का जनरल कोच का कंडीशन देख लीजिए कैसा है। सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस लोग बाथरूम तक पैक है भाई, बाथरूम में और कंडीशन जो है ना बहुत बेकार है। सब क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस का जनरल कोच और हमारी मुलाकात होती है बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पूर्वी चंपारण। दोस्तों फाइनली हमारे सामने देख लेते हैं 1258 आनंद विहार मुजफ्फरपुर सब क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस से हमारी मुलाकात होती है बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन 1 घंटे की देरी के साथ। अब चलिए अपनी ट्रेन का देखते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 से डिपार्चर। तो दोस्तों फाइनली सप्त क्रांति एक्सप्रेस के क्रॉसिंग के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है चंपारण बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन का। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से देखिए डिपार्चर। सो दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी है इस चंपारण पूर्वी चंपारण के बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन, जी को इस चंपारण का शान भी बोल सकते हैं और यहीं से चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन भी शुरू हुआ था। और यहां से निकलने के बाद देख रहे हैं ना कोच का कंडीशन हो चुका है। अपनी ट्रेन में हो चुकी है भाई साहब सब्जी पूरी तरह से लोड, जो कि नरकटिया स्टेशन तक लोकल पैसेंजर लेकर जाएंगे। बाकी देख रहे हैं ना और कोच का भी कंडीशन क्या हो रखा है। चलिए मिलते हैं यहां से 20 किलोमीटर की नॉन स्टॉप के बाद फाइनल डेस्टिनेशन और सुगौली जंक्शन। देख लीजिए बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद कोच का क्या कंडीशन हो गया है चारों तरफ, और इस साइड का भी सेम कंडीशन है। और देख रहे हैं ना सब्जी वगैरह सब पूरी तरह से जो है ओवरलोड हो गया है इस ट्रेन में। यही होता है लोकल ट्रेन में जर्नी करते हैं तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आप सभी को। ठीक सामने जो आप लाइन देख रहे हो आपको सुगौली जंक्शन से रक्सौल की ओर चला गया है और हम आ रहे हैं मोतिहारी के रास्ते सुगौली दिख रहा है। सामने जो देख रहे हैं वही लाइन आपको चला गया है रक्सौल की तरफ और हम आ रहे हैं मुजफ्फरपुर की तरफ से। रक्सौल की तरफ चला जाएगा सुगौली से और हम आ रहे हैं मुजफ्फरपुर लाइन से। तो हम फाइनली पहुंच चुके अपना फाइनल डेस्टिनेशन ऑल जर्नी का सुगौली जंक्शन, जो कि इस चंपारण में आता है पूर्वी चंपारण। पहुँच गए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो दोस्तों फाइनली 100 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद 25 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके अपने जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन और वेस्ट चंपारण के सुगौली जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SGL। टोटल 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 49 ट्रेन यहाँ पड़े हैं और कहते हैं यहाँ से नई कोई ट्रेन अर्जेंट में जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन आपको निकल गई है वाया रक्सौल के लिए और हमारे एक लाइन से मुजफ्फरपुर और तीसरी आपको बेतिया के रास्ते, इसलिए जंक्शन पॉइंट है। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी मस्त है, अगर इस ट्रेन में आप भी जर्नी करना चाहते हैं तो रूट भी मस्त है। और एक चीज सिंगल इलेक्ट्रिक रूट है और डबल इलेक्ट्रिक लाइन का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस रूट पे, पूरी तरह से ग्रीनरी रूट है। और इस ट्रेन में अगर आप भी जर्नी करते हैं तो पता ही है कि लोकल ट्रेन है तो आप सीट जो पहले आ गया कैप्चर हो गया तो समझिए आपको होता है होल्डिंग, जहाँ से आप हैंड करके आप इस ट्रेन में खड़े होकर ट्रैवलिंग कर सकते हैं। यही थी एक छोटी सी ट्रेन जर्नी मुजफ्फरपुर जंक्शन से सुगौली जंक्शन के बीच। चले जर्नी को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक ले बाय, अलविदा एंड जय हिंद।